आवश्यक वस्तुओं की महंगाई पर काबू पाने में सरकार की सतर्कता काम आई है। आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार ने खाद्य तेल, दाल, प्याज, चीनी और गेहूं की सप्लाई बढ़ाने की कवायद पर जोर दिया है। इसी वजह से खाद्य तेल के मूल्यों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि बाकी जिंसों में सप्लाई लाइन दुरुस्त होने से कीमतें फिलहाल कंट्रोल में बनी हुई है। महंगाई को हवा देने वाले तथ्यों को समझते हुए स्टॉक सीमा, आयात शुल्क में कटौती और अन्य कानूनी प्रावधानों पर कारगर की गई है। वहीं आपको बता दें कि खुदरा बाजार में आटे का भाव बढ़ने से रोकने के लिए सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर सकती है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से सभी प्रमुख खाद्य वस्तुओं की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके बावजूद भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्य बनी हुई हैं। अक्टूबर 2022 में आयातित खाद्य तेलों के मूल्य पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले घटाकर बोले जा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह सरकारी नीतियां हैं, जिसके तहत आयात शुल्क में जबरदस्त कटौती और स्पष्ट नीति रही है। आवश्यक वस्तुओं की महंगाई की अनावश्यक वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार ने सचिव स्तरीय एक कमेटी का गठन किया था, जो मूल्यों की साप्ताहिक समीक्षा के साथ सप्लाई बनाए रखने के उपायों पर फैसला लेती है। प्रमुख जिंसों जैसे कि गेहूं और चीनी का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद कीमतों में तेजी का रुख बनने लगा था, लेकिन सरकार ने समय पर हस्तक्षेप करते हुए इन दोनों जिंसों के निर्यात पर अंकुश लगा दिया। वहीं गेहूं के निर्यात पर जहां पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं चीनी निर्यात को सीमित कर दिया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन जिंसों में तेजी का असर यहां दिखने लगा था। इसे देखते हुए सरकार खुले बाजार में बिक्री नीति के तहत गेहूं का अब फिलहाल स्टॉक बेच सकती है। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए दालों के आयात शुल्क और सेस को घटाया गया, जबकि खाद्य तेलों के आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने और स्टॉक सीमा निर्धारित करने पर ध्यान दिया गया। इसी तरह प्याज का 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक गठित कर दिया गया, जिससे जमाखोरों पर लगाम कसने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।